आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वो अनजाना बने है, अनजानी राहे भैया, अनजानी राहे, ओ, देखो अंधकार, आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे उस पार, आजा हम तो खड़े हैं इस पार माझी, हमको लगा दे संध्या का टाइम था, अपने घर जा रहा था, सोचा था जाकर आराम करूंगा, लेकिन फिर कोई उस पार से हमें बुला रहा है। भैया आपने आने में थोड़ा सा विलंब कर दिया, नहीं इसी खेवा में आपको भी माँ गंगा से इस पार कर देता, लेकिन आवाजें लगा रहे और भैया भैया कहकर बुला रहे हो, तो भैया वहीं पर ठहरो,
हवा कुछ उल्टी चल रही है, सो उस पार आने में समय लगेगा, लेकिन आप हमें भैया कह रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर। बस इसी बहाने दो दो बात करते हुए आपके समीप आते हैं। भैया इतना समय हो गया, संध्या का समय होने जा रहा है, आपने पूरा दिन कहां व्यतीत कर दिया? कुछ और शीघ्रता से आते, आप कौन हैं और कहां के हैं? और आप हैं बबलू सेन लक्ष्मी ने हो तुम कहां के हो? बेस कम करो उसका। आप कौन हैं और कहां से आए हैं भैया? कौन हो तुम कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम कहते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम कहते हो? जय हो गंगा मैया। मुझको बुलाते हो, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम कहां के? आवाज लगाते हो, यात्री निकलते हैं, हमें अपने पास में बुलाते हैं और जंगल का रास्ता पूछकर आगे निकल जाते हैं। सो बस बहुतों का तो काम ही इतना होता है, लेकिन आपका भी यदि कोई ऐसा ही काम हो तो वहीं से पूछ ले। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? काम मुझसे ही होगा क्या? काम मुझसे ही होगा क्या? क्यों मुझे बुलाते हो? काम मुझसे ही होगा क्या? कौन हो तुम कहां के हो, क्यों मुझे बुलाते? बल्लू सेन लक्ष्मी जितनी मछली हैं आज सब निकलकर पार में बैठी हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है, मगर मच्छ भी हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई बुला रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मगर मच्छ निकल जाए। हाँ अरे आप बुला रहे थे भैया? भैया केवट हम ही आपको बुला रहे थे। मैं आपसे बहुत देर से आपका परिचय पूछ रहा था, लेकिन प्रत्युत्तर में कुछ नहीं पाया। आप हमको दिखाई नहीं दे रहे थे,
हमने विचार किया कि हम आपको उत्तर दें, परंतु सोच रहे थे कि जब आप हमारे समीप आ जाएंगे तब हम आपको अपना दिखाई नहीं दे रहा था तो सुनाई तो दे रहा होगा, सुनाई दे रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तो सामने आ गए हैं, अब बता दो आप कौन है, अब बड़ी कुबियारा कर दिन, कहां जा रहे हो? हाँ हमारा नाम राम है और ये हमारे साथ हमारी भार्या हैं, इनका नाम जानकी है। क्या राम, अरे वाह, जय हो भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप ही राम हैं अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी के जी सुपुत्र हैं आप जी, आपके साथ में हमारी भार्या है सीता जी, माँ जगत जननी, कैमरा जरा जगत जननी की ओर किया जाए। माता श्री आप भी आ गई, मैं तो आपकी भी बड़ी समय से प्रतीक्षा कर रहा था। जय हो, आपको कौन नहीं भूलेगा, आपको भूल कौन सकता है, आज सब मेरे घाट पर आ गए हैं। आप अपना राम बता रहे हैं नाम, लेकिन आप तो क्षत्रिय हैं, आप राजन महाराजन के लड़का, आप ठाकुरन के लड़का, आज एक तुच्छ केवट से मांग रहे हैं, और फिर हम तो आपके राज में ही रहते हैं, आप हमारे राजा भी हैं, यद्यपि आप तो हमें आदेशित कर सकते थे। और क्षत्रियों का राजाओं का ये कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा से निवेदन नहीं यद्यपि आदेशित करना चाहिए, लेकिन आज आप उसी वंश से होकर मुझ केवट से मांग रहे हैं, सो ये संशय है, क्योंकि क्षत्रियों को मैंने मांगते नहीं देखा, जब भी देखा है देते देखा है, हम जैसे गरीबों की सहायता करते देखा है, लेकिन आज मांग रहे हैं, अवश्य ही कोई ना कोई कारण है, और कारण है तो फिर मैं नौका आपके पास में नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिनकी प्रतीक्षा मैं कर रहा था आज वो मेरे समीप है, और जब तक ये संशय मैं मिटा नहीं लूंगा तब तक कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको जान लिया है। और हाँ ध्यान नहीं सुन रहे हैं आप, जान लिया है और जाना है तो पाया क्या है, मैंने तुमको जान लिया है। मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, पहचान लिया है, जो हो तुम, 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 मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम, जो हो तुम। भैया केवट कहे, तुमने कहा कि तुमने हमको जान लिया है, इसमें तो बड़ा संशय समझ में आ रहा है कि तुम हमको जानते हो, हमने तुमको अपना परिचय दिया है, तूने हमको जान लिया है, जान लिया है, तूने हमको जान लिया है, तूने हमको जान पहचान लिया है, अब और मैं हूँ राम, 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 मैं हूँ राम। जाना क्या है, जब मैंने सुना है, क्योंकि संत महापुरुषों के द्वारा, योगी जनों के द्वारा मैं आपके नाम की बड़ी चर्चाएं सुनता हूं, जैसे जैसे सोचता हूं कि सब कुछ भूलकर अपने घर के काम करूं तो ये योगी लोग आके फिर मेरा दिमाग खराब कर देते हैं, मेरे घाट में आते हैं, मेरी नौका में बैठते हैं, चर्चा आपके नाम की करते हैं, और जब चर्चा करते हैं तो माथा घूम जाता है भगवान, बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आपके नाम में वो शक्ति बताते हैं,
आपके चरणों में ऐसी रज बताते हैं कि कोई यदि पत्थर में भी आप छुआ दे तो अवश्य ही वो पत्थर नारी बन जाता है। छुवत सिला भाई नारी सुहाई पाहन पे ना काठी काठी नाई, क्योंकि एक पत्थर आपकी चरणों की रज से नारी बन गई है ऐसा मैंने सुना है। और जब आप पत्थर को नारी बना सकते हैं तो मेरी नौका तो काठ की है। पत्थर ज्यादा कठोर होता है और काठ होता है मुलायम। जब पत्थर को आप नारी बना सकते हैं तो नौका तो चट्ट से छूमंतर हो जाएगी और समस्या हो जाएगी। और यदि नारी बन गई किसी ऋषि मुनि के साथ में चली गई तो फिर समस्या हो जाएगी। छुवती सिला भाई नारी सुहाई समस्या है ना, ना दिन में भोजन ना रात में नींद जीना हराम समस्या हो जाएगी। यही विधि पालो सब परिवार नहीं जानो कछु और कबारू नहीं जानो कछु और कबारू, क्योंकि देख रहे हैं ये सब मेरा परिवार है। पीछे तक कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग चला रहे हैं, और जो चला रहे हैं उनका मन नहीं लग सकता। मैं भोग चुका हूं, मैं स्वयं में भोग चुका हूं कि जो चलाता होगा उसका मन नहीं लग सकता। एक बार और आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुनने गया और मेरे भी हाथ में था तो मेरा मन नहीं लगा। मैं जान गया कि जिसके भी हाथ में होगा उसका मन नहीं लग सकता, वहां चाहे स्वयं जो भी आके खड़ा हो जाए तो प्रभु समस्या हो जाएगी, क्योंकि सारे परिवार का भरण पोषण केवल इसी नौका के माध्यम से करता हूं। और यदि ये नौका भी नारी बन गई तो फिर करूंगा क्या। यही विधि पालो सब परिवार नहीं जानो कछु और कबारू नहीं जानो कछु और कबारू, सो पथिरा को बल्लू सेन, लक्ष्मी सेन, कल्पना सेन, आपकी ओर से सुंदर संवाद पर 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद भैया केवट।
तुम हमारे मर्म को जानते हो, तुमने हमारा मर्म भी बताया। छुवत शिला भैनार सुहाई, तो पाहन ते न काठ कठिनाई। जब हमारे पैरों की रज पड़ जाने से एक पत्थर की शिला नारी रूप में परिवर्तित हो सकती है, तो ये तुम्हारी नौका क्यों नहीं नारी बन सकती? ऐसा तुम्हारा संशय है। तुम्हारा संशय हम दूर करना चाहते हैं। अवश्य ही आप मेरे संशय को, तुम्हारा संशय हम दूर करना चाहते हैं। जिस शिला की बात तुम कर रहे हो, वह शिला श्रापित थी, गौतम नारी श्राप बस। अच्छा, वो शिला श्रापित थी। और दूसरी बात, वहां पर गुरु कृपा भी थी, यहाँ तुम्हारी नौका श्रापित नहीं है। तो अब क्या गुरु कृपा नहीं है क्या? गुरु कृपा है फिर, परंतु वहाँ पर गुरु के आदेश से कार्य हुआ है। तो यहाँ भी यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ नहीं कि यहाँ गुरु का आदेश है। नहीं, गुरु जी का स्वयं निवेदन कर रहे। जय हो ठाकुर जी। दूसरी बात, आप हमें ना बातें बनाओ। वहाँ पर गुरु जी का आदेश था तो क्या यहाँ आदेश नहीं है क्या? यहाँ भी आपके माता पिता का आदेश है। आदेशों का पालन करने के लिए आप तीनों वन में आए हैं। आदेश किस चीज का है? आदेश है 14 वर्ष वन प्रखंड का। अच्छा, ये आदेश नहीं है कि नौका में चढ़ के जाना है। तो नौका महलों में थोड़ी चलाई जाती है, नौका माँ गंगा में चलाई जाती है। ये हमारा विचार है कि हमको नौका में चढ़ के जाना है। तो आप एक काम करो। दूसरी बात, अगर हमारे पैरों की रज में कोई जादू होता तो ना जाने कितने पत्थरों से चल। और ये 20 पुष्प मुद्राएं काशी महाराज और रेणु सक्सेना आपकी ओर से सुंदर संवाद प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। ना जाने कितने पत्थरों से चलकर अभी आ रहे हैं महाराज, एक भी नहीं बन सकते। हमारे पैरों में जादू होता तो सब पत्थर नारी। अरे ऐसे कैसे बन जाते? क्यों? अच्छा, आप एक काम करो। आप हमें बता रहे हैं कि यदि हमारे चरणों की रज में जादू होता तो सभी पत्थर नारी बन जाते जी। आप अभी तक पैदल चले कहाँ हैं? क्यों नहीं चले? क्यों अयोध्या से आप रथ में बैठकर आए? अच्छा एक काम करो, बरबस राम सुमंत्र पठाए तो सुरसरी तीर आप चली आए। चल करके आए कि नहीं आए? अरे तो ये तो रेणुका है, यहाँ कंकड़ पत्थर थोड़ी है। माँ गंगा में क्या होती है? रेणुका। कंकड़ पत्थर आपको नहीं मिले, लेकिन इससे पहले एक नदी आपको और मिली है। एक नदी और मिली है, कौन सी? तमसा नदी। तब तमसा मिली है, उसके पहले भी एक मिली है, सरयू नदी। हाँ। अच्छा। सरयू नदी से भी आप पार होकर आए हैं तो क्या वहां पर आपको केवट की आवश्यकता नहीं पड़ी? जैसे वहां से निकल आए थे वैसे यहाँ से भी निकल जाओ, क्या आवश्यकता है केवट की? ऐसा नहीं, हम देख रहे हैं माँ गंगा की अजब धार है, इसलिए हमारा निवेदन स्वीकार करो और हमें माँ गंगा के उस पार करो। अरे जय हो प्रभु। भैया नैया ले आवो इस पार, हमें तो बन जाना है। भैया नैया ले आवो इस पार, हमें तो बन जाना है। आपसे बड़ा डर लगता है, आप बहुत बड़े जादूगर हैं। रघु पर नैया न लाऊं इस पार, हमें डर लागत है। भैया नैया ले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। रघु पर नैया न लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। गंगा की अजब है धारा, कैसे उतरे दूर किनारा। माँ गंगा की अजब है धारा, कैसे उतरे दूर किनारा। यही विधि पालू सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबार। इसी नौका से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ महाराज। ठाकुर साहब काहे हमारी नौका के पीछे पड़े हैं आप? अरे मैं आपको मार्ग बता रहा हूँ कि चाहे उधर से निकल जाओ, हमें उस मार्ग से निकले थे वैसे यहाँ से निकल जाओ। हमें उस मार्ग से जाना होता तो हम तुम्हें उस पार से इस पार क्यों बुलवाते? महाराज हमें के बर्बाद। माँ गंगा की अजब है धारा, कैसे उतरे दूर किनारा। माँ गंगा की अजब है धारा, कैसे उतरे दूर किनारा। और देखो होता है हमको अंधेरा।
बचन हम मन में ठाना, हमको दूर देश है जाना। पिता बचन हम मन में ठाना, हमको दूर देश है जाना। भैया मन में कुछ करो रे विचार, ओ भैया मन में कुछ करो रे विचार, हमें तो बन जाना है। भैया नहीं आले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। लखोर नहीं आने लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। हमें तो बन में आप हैं संजय परिहार जी, जिनके यहाँ समोसा बहुत अच्छा मिलता है, जिसका नाम है तूफान समोसा, और गुजिया भी बहुत सुंदर मिलती है, जिस गुजिया का नाम है तूफानी गुजिया, मेन बस स्टैंड रेवाई। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है, साधुवाद धन्यवाद। प्रभु मैं आपको सहज में इस माँ गंगा के उस पार नहीं कर सकता। मंगवाएं क्या? नहीं चाहिए। आप बड़े घरन के लड़का हो, राजा महाराजन के आप खाओ, चाहे रसभरी चाहे सूखी, लेकिन आज केवट के घाट में हैं, तो जो हम कहेंगे होगा वही। आप हमें मीठी मीठी बातों में उलझा रहे हैं भगवान। और पुनः वही हमारे यशवंत सिंह और मुन्ना भैया आपकी तरफ से गेरे पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। आज आप हमें बड़ी मुश्किल से मिले हैं, और जब मिले हैं तो आज एक एक बात का बदला आपसे लेंगे, क्योंकि आपने हमें बड़ी प्रतीक्षा करवाई है प्रभु। और यदि मैं जो सोचता हूँ आप वही हैं, तो फिर आज मेरे ही मन का होगा आप सभी लोग विश्वास करके बैठे। ये ऐसे बच के जा नहीं पाएंगे। बहुत मीठा बोलते हैं, जिसको होता है अपनी मोहिनी मूरत पर फंसा लेते हैं, लेकिन आज नहीं प्रभु। यदि आज भी फंस गया तो फिर घूमता रहूंगा, अब मैं घूमना नहीं चाहता। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको वो किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है तुमको किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको राम कह आवत नहीं, ये नाम का प्रभाव है। राम अंत में आते नहीं है, जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। और हाँ ध्यान दें, आदरणीय श्री प्रभात द्विवेदी जी, श्री प्रभात द्विवेदी जी आपकी तरफ से 101 पद्म मुद्राएं सुंदर केवट संवाद पर स्पेशल भाई केवट जी के लिए प्रदान हो रही है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और आप हैं रेणु सक्सेना और मुकेश सक्सेना आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं पृथ्वीराज राठौर
टेंट हाउस एवं डीजे हंस का रोड लाइट रेवाई आपकी ओर से 21 पुष्पताए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। भगवान आज हमसे आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बतला रहा हूँ, एक उपाय बता रहा हूँ। यदि मेरी नौका के माध्यम से आप माँ गंगा के उस पार जाना चाहते हैं, अच्छा सरकार अब पूछते तो कहता हूँ सबसे अपना, तो कहता हूँ सबसे अपना, भाव भय जग मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूँ भय अपना, भाव भय जग पंकज में राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जाने कहानी सुरज धुल वालों राज।